तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार है, जो कि बनाने की बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, ये 3 से 7-8 साल के बच्चा आराम से पहन सकता है। तो इसके लिए मैंने आधा इंच ये प्लस टोटल मिला के 3 इंच का से कम का ये बॉर्डर बनाया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, चाहे तो आप यही वाला डिजाइन डाल के पूरी कैप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये डिजाइन बनाना सिखाया आपको, और सेम यही डिजाइन मैंने यहाँ पर बनाया है। तो टोटल लेंथ मैंने इसकी बनाई है 10.5 इंच। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, उसके बाद एक एक फंदे को लेते हुए हमें यहां से घटाना है। दो फंदों को बुने, उसके ऊपर से निकाल दें, या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर देखिए आप वापस उसी फंदे को उसी सिलाई में ले, एक और ये दो फंदों को लेते हुए बैक साइड से 2 का 1 करें, फिर से वापस डालें और इन 2 का 1 करें। इस तरह क्या होता है कि हमारी कैप खराब नहीं होती है। और काफी लंबे समय तक हमारी ये कैप चलती है। आप एक बार जरूर ट्राई करें। आप अपने बेबी के बना रहे हैं तो बेबी के हेड के अनुसार बनाएं, या आप अपनी कैप बना रहे हैं तो उसके हेड की लेंथ के अनुसार बनाएं। आज का तो वैसे भी लंबी कैप का ही क्रेज है, तो आप चाहे तो लंबी कैप भी बना सकते हैं। इसी तरह घटाते हुए फ्रेंड्स हम एंड तक बनाएंगे। देखिए वापस उसी सिलाई में डालें, एक और दो फंदों को बैक साइड से 2 का 1 कर दें। तो चलिए हम ये एंड तक बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह घटाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टिच होगी प्लस यहाँ पर स्टिच होगी, सिलाई करेंगे तो उसके लिए हमें उसके ही जितना धागा यहाँ से काट लेना है। आप किसी भी कैंची की सहायता से काट लीजिए, और काटने के बाद आप इसको सुई में डालिए। तो देखिए फ्रेंड, सुई में धागा डालने के बाद जो हमने यहाँ पर फंदे घटाए हैं उसी में देखिए कैसे करना है। देखिए ये सिंगल ले रही हूं, और सिंगल के बाद एक बारी इधर की साइड और एक बारी इधर की साइड डालते हुए देखिए ये सिंगल थ्रेड ले रही हूं चैन का, उससे बहुत ही सुंदर डिजाइन आता है और हमारी ये कैप खराब भी नहीं होती जल्दी से। ये बहुत सालों साल चलती है। इसी तरह बनाते हुए आप इसको खींच लीजिए, उसके बाद इसी तरह करते हुए एंड तक जाएंगे। जैसे कच्चा टाका लगाते हैं उसी तरह हमें यहां पर करना है। वन बाय वन हर एक में से लेते जाएं और करते जाएं।
तो इसी तरह हम यहां तक निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहां तक खींच लिया है, डाल लिया है, ये एंड हो गया। एंड होने के बाद आप इसको पूरा खींच लीजिए, जितना भी आप पॉसिबल है उतना खींचे। ये देखिए, इसको खींचते हुए आप यहां पर टांका लगाएं। खींचने के बाद एंड में जो फर्स्ट में से लिया था हमने, वहीं पर ही स्टार्टिंग के जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही लाकर एक गांठ लगा ले। चाहे तो आप एक और लगा लीजिए, ये हमने दो नॉट लगाई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो सर्कल आता है इसको हम इस तरह स्टिच करेंगे। ताकि ये सर्कल हमें दिखाई ना दे। आप चाहे तो फ्रंट से करें या बैक से करें, मैं फ्रंट साइड से ही कर रही हूं। इस तरह फ्रेंड्स ये मजबूत हो जाता है और हमारी कैप जल्दी से खराब नहीं होती। चावल में पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टांका लगा चुके हैं और एक एंड में लगा लीजिए। धागा लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का ये धागा हमारा नीचे जाएगा और यहां से कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे पांच ऐसे लीव्स बन जाती है जो एक फ्लावर का लुक देती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहां पर एंड में ही आएंगे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। अपनी सुई को लाएंगे, चाहे तो आप यहां पर एक पॉम पॉम बना के लगा सकते हैं। तो चलिए हम ये ही लगाते हैं पॉम पॉम बना के, या फिर आप यहां से इसको पहले स्टिच कर लीजिए। तो सिलने का तरीका फ्रेंड्स मेरा दूसरा है। एक बार देखिए एंड की जो चैन बनती है, मैं वहां से एक बार इधर से लेती हूँ और फ्रंट साइड से ही स्टिच करती हूँ, और एक बारी ही सेम लास्ट की जो चैन बनती है उसमें से मैं लेती हूँ। देखिए, ये जो चैन बन रही है वहां से वन बाय वन मैं लेती जाती हूँ और बनाती रहती हूँ। तो इस तरह हम सिलते हुए एक बारी इधर की साइड से, एक बारी इधर की साइड से, इस तरह सिलने से फ्रेंड्स हमारे हम दोनों साइड से अपनी कैप यूज कर सकते हैं। आप चाहे उधर की साइड से पहने या इधर की साइड से, तो सिलाई नजर नहीं आती है। और पहनने में दोनों साइड से यूज होती है, टू इन वन कैप बन जाती है फ्रेंड्स। ये वन बाय वन, एक बार इधर से और एक बार उधर से सिलने पर हमें चलिए मैं आपको सिल के दिखाते हैं। एक बार इधर से और एक बारी इधर से, वन बाय वन लेते जाएं और स्टिच लगाते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये सिलने का। और देखिए बैक साइड से भी आपको ये नहीं लगेगा कि यहां से मैंने स्टिच किया है, तो इसलिए आप ये दोनों साइड से यूज कर सकते हैं।
तो चलिए हम एंड तक सिलाई कर लेते हैं। एक बारी और देखते हैं फ्रेंड्स कैसे किया। एक बारी इस साइड का और दूसरी बार इस साइड का, एक बार इस साइड का और दूसरी बार दूसरी साइड का। तो चलिए हम एंड तक सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सिलने के बाद एंड में यहाँ पर एक इस तरह नॉट लगा लें। नॉट लगाने के बाद बैक साइड में जाए और यहाँ से हल्का वन बाय वन ऐसे थ्रेड लेते हुए थोड़ा गैप देकर ही धागे को तोड़े। उससे क्या होता है, हमारा धागा अगर हम यहीं से कट करेंगे तो नॉट खुल के खुलने का चांस ज्यादा होता है। तो एक बारी हम यहाँ पर लाएंगे और सिंगल नॉट लगाते हुए धागे को फिर से इसी तरह करेंगे वन बाय वन, और थोड़ी सी दूरी पे लाकर एक नॉट हमने यहाँ पर लगाई, एक नॉट हमने यहाँ पर लगाई, फिर अंदर ही अंदर लाते हुए एक यहाँ से हम अपनी कैंची की सहायता से काट लेंगे। आप चाहे तो पॉम्पॉम, तो देखिए फ्रेंड्स कैप बनाने पर इस तरह नजर आती है। ये 3 से 6-7 साल के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। ये दिखने में छोटी लग रही है पर ये आराम से काफी खुल जाती है, देखिए। और चाहे तो आपका छोटा बेबी है तो उसको इस तरह फोल्ड करके भी आप पहना सकते हैं, और बड़ा बेबी है तो आप इसको इस तरह ओपन करके बना लो। तो फ्रेंड्स देखिए बनाने के बाद इस तरह नजर आती है, ये कैप है हमारी। अगर आप बड़ी बना रहे हो तो इस तरह बनाने के बाद ये ऐसे नीचे की साइड गिरती है, जो कि गिरने के बाद ये इस तरह नजर आती है। तो चलिए अब इसके ऊपर का हम पॉम्पॉम बनाते हैं जल्दी से। पॉम्पॉम बनाने के लिए फ्रेंड्स आपकी 2 फिंगर्स पर ही ऊन को लपेटना चालू करें और जितना मोटा आपको पॉम्पॉम चाहिए उतना मोटा आप बना लें। तो मैं 2 कलर की ऊन से बनाया है तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं 2 कलर की ऊन यूज करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 2 कलर का बनाना चाहती हूँ, तो मैं दोनों कलर की ऊन को एक साथ पकड़ूंगी और अपने हाथ पर फिंगर पर लपेटती जाऊंगी। जितना मोटा मुझे अपना पॉम्पॉम बनाना है उतना ही बड़ा मैं बनाऊंगी। ये जितना अच्छा होता है, ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। 1 कलर की मैं ऊन इसमें से काट दूंगी और 2 कलर की ऊन को मैं थोड़ी दूरी से काटूंगी इस तरह। अब ये जो 2 कलर की ऊन है इसको मैं फिंगर की सहायता से दूसरी साइड इस तरह निकालूंगी। निकालने के बाद फ्रेंड्स देखिए मैं इसे यहां पर आपस में गांठ लगाऊंगी, ये इस तरह, और इसे पूरा टाइट कर लीजिए आप जितना टाइट होता है। 1, 2 और 1 ये 3, मैं 3 गांठ मारी है ताकि ये खुले ना। और उसके बाद हम यहां से बीच सेंटर में से इसको काटना चालू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कटने के बाद यह इस तरह नजर आ रहा है। उसके बाद हम देखिए कटने के बाद इस तरह का नजर आया, तो इसको अब हम सुई लेंगे और नीचे एक देखिए बिल्कुल नीचे कैप के सेंटर में ही पीस सेंटर में हम यहां पर एक नॉट लगाएंगे। चाहे तो आप धागे को पकड़ के इस तरह से गांठ मार सकते हैं, इस तरह मजबूत करने के बाद इसको ऊपर की साइड लेके आएंगे। ऊपर की साइड लाते हुए फ्रेंड्स हम अपना पॉम्पॉम रखेंगे
जो अभी हमने बनाया है, और यहाँ से दूसरी साइड से डालते हुए फिर से हम इसी की साइड से निकालेंगे। देखिए इस तरह, अब हम इसको और टाइट कर लेंगे। फिर से वहीं पर डालेंगे इस तरह, और पीस सेंटर में से डालते हुए एक साइड से दूसरी साइड को निकालेंगे इस तरह, और उसको फिर से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स इसको एक साथ इस तरह पकड़ें सारे पॉम्पॉम को, और पॉम्पॉम को पकड़ने के बाद देखिए ये मैंने सारे थ्रेड पकड़ लिए हैं अपने दूसरे हाथ में, और दूसरे हाथ में पकड़ने के बाद मैं इसको यहां पर लपेट रही हूं उसी धागे को जो हमारा सुई वाला धागा है, थोड़ी दूरी पर मैं इसको लपेटना चालू कर रही हूं। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह घुमाव देते हुए चारों तरफ घुमाव देने के बाद इस तरह दूसरे हाथ में लीजिए, और इस तरह रिंग बनाते हुए देखिए ऐसे रिंग बनाते हुए और उस पूरे पॉम्पॉम को उसके अंदर से निकाल देंगे तो ये एक गांठ लग जाएगी, नॉट बन जाती है। सारे पॉम्पॉम को बाहर कर लीजिए, बाहर करने के बाद ही इसकी गांठ लगाएं सेम उसी जगह, और पूरा टाइट करने के बाद देखिए पूरे टाइट करने के बाद फ्रेंड्स यहीं पर हम इसको एक बारी और गांठ लगाएंगे ताकि ये इधर से उधर ना हो। ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने धागे को फिर से नीचे लेके जाएंगे बैक साइड में, एक साइड से कहीं से भी डाल दें, और नीचे निकालने के बाद फिर से उसी थ्रेड में गांठ मारें, एक दो गांठ लगाने के बाद इसको आप यहां से बिल्कुल थोड़ा सा पास से हल्का सा दूर काट लें। अगर आप इधर से कैप पहनेंगे तो ये सिंपल कैप बन जाएगी इस तरह, और अगर आप फ्रंट की साइड से पहनेंगे तो ये इस तरह बन जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के बाद पॉम्पॉम को हम इसकी कटिंग करेंगे, इक्वल कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लीजिए, और तो वो इस तरह का नजर आता है। चाहे तो आप इसकी और पास से कटिंग करें, अगर आपको ज्यादा लंबा लग रहा है तो आप और छोटा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा कटिंग करें, और लंबा करना चाहते हैं कि पूरा भरा हुआ नजर आए तो आप छोटी कटिंग करें। तो देखिए फ्रेंड्स बनाने के बाद यह कैप इस प्रकार नजर आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।